हाय, कैसे आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका शुभ, मंगल, प्रॉफिटेबल, लाभ हर तरीके से आपको हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज अच्छा रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या अभी कब इन्वेस्ट करें उसकी वीडियो मैं ये वीडियो के बाद डाल देता हूँ, 2-5 मिनट की। बस क्या टाइम फ्रेम में ये साल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एट प्रेजेंट आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अभी जो वीडियो रहेगी प्रोबेबली वेरी शॉर्ट टर्म, प्रोबेबली जनवरी के 1-2 हफ्ते का व्यू दे देता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने शॉर्ट में भी एक बनाई थी वीडियो कि भाई अब यहाँ से तुम्हें सेलोन राइज सोचना चाहिए, बट बैंक निफ्टी का जो लेवल अभी 48,888 आपका मैक्स ऊपर की तरफ है, अब उससे ज़्यादा नहीं है, वहाँ से सेलोन राइज बन जाएगा। यहाँ पे भी 825,888,821 का मैक्स लग रहा है, यहाँ से अब थोड़ा थमेगा बाजार। सेलोन राइज की रणनीति रखना आपको, और आने वाला ये हफ्ता या आने वाले हफ्ते पूरे बोथ साइड मूव्स होंगे, बट तुम बाई ऑन डिप्स की जगह बेटर वेट फॉर द राइज एंड टेक पुट, वेट फॉर द राइज देन टेक पुट। पर धीरे धीरे यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक आशा है, और उस हिसाब से मार्केट जाना चाहिए। फिर भी नया नहीं जाए तो अपना SL आप मैक्स बता दिया है 888, उधर भी 888, दोनों तरफ 888 के लेवल्स रख लेना, ठीक है। अब कल की बात करूं, कल मार्केट में राइज आएगा थोड़ा बहुत, आया तो वो भी सेलिंग में ही आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और थोड़ा शॉर्ट से और मीडियम टर्म भी बता दूं तो मार्केट और एक महीना ऐसे ही सताएगा। अभी या तो कंसोलिडेशन हो जाएगा या सेलोन राइज रहेगा, अब बाय ऑन डिप्स के चांसेस कम रहेंगे। ये नोटिस करना है बस 21555 का लेवल मेंटेंड है निफ्टी में, तब तक तो फिर भी वो स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी करेक्शन से पहले आएगी, तो फिर अगर वो टूटता है तो फिर एक, या मतलब 21500 ले लो मोटा मोटी, फिर एक डिप दे सकता है। बट मेरे हिसाब से जो मैंने आपको 1-2 हफ्ते की बात करी है, तो कम से कम आपको लेवल जो दिखने मिल सकते हैं 46,666 आपको बैंक निफ्टी में दिख सकता है। इसमें भी अगर 18,444, 18,222 तक के भी लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अब वो दिखते हैं नहीं दिखते भाई, मैं तो ऑपरेटर हूँ नहीं, बट जस्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है उस हिसाब से मैं आपको बना के वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी होगा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं भी ऑलमोस्ट हेल्थ इश्यूज़ के कारण, फैमिली पर्सनल बहुत सारे इश्यूज थे जिस कारण से मैं रेगुलर आ नहीं पाया वीडियोस में, तो अभी वो उतनी भी हाई एक्यूरेसी मत एक्सपेक्ट करना कि यार दीपक का तो 90% रहता है, 95% रहता है, नहीं सर 100 नहीं, 200% रहता आपका सही, तो उस हिसाब से मत चलना यार, क्योंकि कैप आ गया और अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल की पार्किंग से आपको रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि अब नया साल है तो एक कुछ तो आपको एक वैल्यू एडिशन दे दूँ नया साल के फर्स्ट डे, मतलब अब कल फर्स्ट डे तो आज वीडियोस वही, तो उस हिसाब से मैं कह रहा था भाई अपना थोड़ा पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब, इस कारण से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाए। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से तो मार्केट यही होना चाहिए यहाँ से, और यू नोटिस करना सर, आपको मैं बता देता हूँ, टॉप से तो आपको सेलिंग बताई थी मैंने, जैसे ये वाला स्विंग लो बना था तब भी बोला था यहाँ से आपको अपनी पोजीशंस बुक कर लेनी चाहिए और आपको लॉन्ग पोजीशंस देखनी चाहिए फ्री ग्रुप में। मैंने पेड में बताया था कि हो सकता है आपको एक 21,022 मतलब एक अच्छा रैली देखने मिल सके ऊपर की तरफ, ये बताया था, ठीक है। मैं एग्जैक्ट लेवल्स तो दिया नहीं था कितना आएगा, बट एक अच्छी खासी मतलब यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखो, बार बार मैं बोलते रहा हूँ और बाई ऑन डिप्स ही करते रहो, तो मार्केट वैसा ही चला है। अब बस तब बाय ऑन डिप्स था बॉटम, एग्जैक्ट बॉटम, अब यहां पे भी ट्राई कर रहा हूं एग्जैक्ट टॉप पकड़ के सेलोन राइज पकड़ने की।
एक दो हफ्ता तीन हफ्ता वीक होके फिर एक बाउंस आएगा, वहां से फिर वो बाउंस से फिर सेलोन राइज करना है और वो अप्रैल तक सेलोन राइज करना है, वो मैं बताऊंगा कब करना है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म व्यू तुम्हें दे दिया, शॉर्ट नहीं वेरी, हाँ शॉर्ट टर्म ही हो गया ठीक है। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो सब्सक्राइब कराओ, लाइक शेयर कमेंट तो रुकने नहीं चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।